अस्सलाम वालेकुम दोस्त। आज मैं आपको ऑटोकैड के अंदर बताऊंगा ड्राइंग को कैसे ब्लॉक किया जाता है और उसका कैसे ब्लॉक बना सकते हैं आप, और उसको फिर उसी हालत में कैसे आप अलग-अलग उसके ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। तो इसमें आज मैं आपको दो कमांड बताऊंगा जो कैड के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं, जिसके जो है पहली कमांड जो है वो है एक्स ब्लॉक की और दूसरी जो है वो एक्सप्लोड की। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ड्राइंग को जो है वो ब्लॉक करना है और उसके बाद फिर उसको कैसे एक्सप्लोड करना है, उसको लहदा लहदा करना है। तो दोनों कमांडो को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दोस्त दिखाता हूँ। तो दोस्त आए हम लोग शुरू करें कैसे ड्राइंग को ब्लॉक किया जाता है। तो दोस्त ये मेरे पास 8 मरले का घर है जिसका मैंने ये ब्लॉक बनाना है। ये जो आपके सामने इसका ये ग्राउंड फ्लोर है जिसके अंदर ये लॉन है और ये ड्राइंग रूम है, पोर्च है और टीवी लॉन्च है, किचन है और बेड है और बाथ वगैरह है और ये ओपन स्पेस है। तो दोस्त ये ड्राइंग भी देखें हमारे पास ये लैदा लैदा है। जैसे मैं एम की कमांड देकर मूव करता हूँ तो ये देखें ये लैदा लैदा है। तो मैं क्या करना है कि मैंने इसको एक ब्लॉक बनाना है। ये देखिए मैं यहाँ पे भी बताता हूँ, ये डोर है, ये भी एक लैदा है। अभी हम लोग इसको मूव कर रहे हैं तो ये मूव हो रहा है। जैसे ये आपका टैक्स है, इसको भी मैं आपको बताता हूँ कि ये टैक्स भी मूव हो रहा है। तो दोस्त बेसिकली ये जो ब्लॉक है ये ड्राइंग को इसलिए बनाया जाता है कि ये वो सारी की सारी इकट्ठी हो जाए, कहीं भी आप मूव करेंगे तो सारी की सारी जो है वो मूव होगी और जहां भी आप इसको लेके जाना चाहते हैं कॉपी करेंगे तो सारी की सारी कॉपी होगी। दोस्त आओ स्टार्ट करें। मैं क्या करता हूँ इसकी शॉर्ट की जो है BLOCK करेंगे तो वो आपके पास ब्लॉक आ जाए, ब्लॉक की जो है वो टेबल आ जाए, या BLO करेंगे तो ये यहाँ पे भी आप टेक्स्ट के अंदर आकर भी इसको क्लिक कर सकते हो। तो आपके पास ये एक ब्लॉक की जो है वो एक टेबल आ जाएगी। तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, जो जो चीजें को आपने ब्लॉक बनाना है तो आप उसको सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ये हमारा लाइन वर्क है सारे का सारा, मैंने इसको क्या किया, ये आपका जो लाइन वर्क है उसको मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इंटर करना है। तो दोस्तों जरा गौर से सुनिएगा, इंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका नाम रख देंगे। जैसे मैं इसका नाम कोई भी रख देता हूँ, हाउस के नाम से, हाउस के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया, इसका नेम रख लिया, ठीक है। तो दोस्त इसके बाद मैंने इसको कर दिया ओके रिफाइंड। तो दोस्त ये क्या हो गया, आपका एक ब्लॉक बन गया जिसकी मैं अब इसकी कमांड करने लगा हूँ मूव। ये देखे दोस्त, ये सारे इसके अंदर ये जो आपका टैक्स है वो भी अब सारे का सारा ब्लॉक बन गया, ये भी ब्लॉक बन गया। अब मैं पहले जैसे मैं करता था इस लाइन को मैं मूव करता था, तो दोस्त ये मूव की कमांड मैंने दी, इसको मैंने मूव करता तो मूव हो जाती थी, लेकिन अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ किसी एक को पकड़ के, कहीं से भी पकड़े तो वो सारी की सारी ड्राइंग जो है वो आपकी ड्राइव कर रही है। तो जहां से भी आप पकड़ेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ये पूरी पूरी ड्राइंग, हत्ता के आप इसके टैक्स को भी पकड़ेंगे तो फिर भी वो जो है पूरी की पूरी मूव होगी। और पहले जैसे आप डोर को पकड़ते थे वो लैदा हो जाता, अब डोर को भी पकड़ेंगे तो वो आपकी सारी की सारी ये देखें वो मूव हो रही है, ऊपर नीचे लेके जाएंगे। तो ये क्या आपकी ड्राइंग जो है सारी की सारी जो है वो ब्लॉक बन गया। तो अब आपने करना क्या है कि एक इसको चेक करने, पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ, अब मैं इसको कहीं भी पकड़ के आगे पीछे कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है, मैं एक ये लाइन लगा देता हूँ, ये एक एक मिसाल के तौर पे ये लाइन लगाती, एक ये लाइन लगाती, तो ये वाली हमारी जो लाइनें हैं ये मूव हो रही हैं। तो दोस्तों ये इसलिए किया जाता है कि इसके ऊपर आपने कोई भी काम करना है तो आप इसके ऊपर काम कर लें, तो आप इसको जब आपका दिल करे यहाँ से किसी एक कोने से पकड़ के आप इसको मूव कर सकते हो तो आपका किया हुआ काम जो है वो उधर का उधर ही रहेगा। तो दोस्त इस तरह बाकी और भी काम होते हैं जो आपने काम करने होते हैं, तो जो भी आप काम करेंगे तो आप नीचे से उसको मूव कर सकते हैं या मीन के उसको ये डिलीट कर सकते हैं। मैंने डिलीट किया फिर मैंने उसको अंडू कर देता हूँ। तो दोस्त ये आपकी हो गई है, आपकी कमांड जो है वो हो गई है ब्लॉग वाली। अब आपने ड्राइंग को एक एग्जाम्पल है कि उसी हालत में लेके जाना है, तो और दूसरी कमांड मैं बताता हूँ वो है EX एक्सप्लोड की। ये देखो EX
लिखेंगे इसकी शॉर्ट है तो ये आगे जाएगा आपका सैंकड़ वाला जो है वो एक्स प्लूड है। मैंने उसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप किसी भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको इंटर कर देंगे और ये आपके जो है फिर रैम उसी हालत में लैदा लैदा आ जाएगी। ये देख ले जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसको मूव करना चाहूंगा तो इसको मूव कर सकता हूँ, इसको मूव करना है तो इसको मूव कर सकता हूँ, टेक्स्ट को करना है तो मैं टेक्स्ट को मूव कर सकता हूँ। तो आपकी ड्राइंग जो है एक्सप्लोर से आपकी ड्राइंग उसी हालत में आ गई। अब आप किसी भी कोने से आप पकड़ के उसको लैदा कर सकते हैं। मैं दोबारा करके बताता हूँ, आप गौर करिएगा। ई एक्स लिखेंगे तो ये एक्सप्लूड की कमांड जो है उसकी शॉर्ट की जो है ई एक्स है। तो ये एक्सप्लूड आ गया। यहाँ पे आपने आके उसके किसी भी कोने को, हत्या कि आप टेक्स्ट को भी कहीं भी आप इसको पकड़े, इसको सिलेक्ट करें, इंटर करें, तो आपकी ड्राइंग जो है वो फिर उसी हालत में आ जाएगी। आपका ब्लॉक जो है वो खत्म हो चुका है, टूट चुका है। तो दोस्त इस तरह आप जो है अपनी कमांड को यूज कर सकते हैं। ब्लॉग बनाना है तो ब्लॉग बना सकते हैं, एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोनों मैंने आपको बता दिया है। तो जो आपने चाहते हैं आपकी फिर ये ड्राइंग जो वो उसी हालत में आ जाएगी जिस हालत में आपकी पहले थी। तो दोस्तों मैंने आपको दो कमांडें बताई हैं, पहली जो थी वो ब्लॉग की थी, दूसरी जो थी वो एक्सप्लोर की। ब्लॉग की जो है वो पूरी ड्राइंग जो होती है वो आपकी ब्लॉग हो जाती है और ब्लॉक बन जाता है, और दूसरी जो एक्सप्लोर है उससे आप दोबारा फिर उसी हालत में एक्सप्लोर की कमांड से ले आते हैं। तो दोस्त अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। जहाँ से किसी को समझ नहीं आई तो फिर वो आप उसको देखिएगा, आप मुझे कमेंट्स करके, कॉल करके, मेरे इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ढेर सारा दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह निगहबान।